और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है। अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। फिलहाल अभी देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है। गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है और 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई, क्या खबर, आज क्या हुआ अंदर? बिल्कुल, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद समेत कई लोगों द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि जगह जगह पर जो है वो बिना किसी तरह का दोषी पाए या बिना कारणों के जो है वो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इसको लेकर राजनीति हो रही है, निर्दोष लोगों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। और कई दिनों से इस मामले में लगातार सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच पर हो रही थी। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर जो है वो रोक रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर किसी तरह का अतिक्रमण हो, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई धार्मिक स्थान ना हो, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट हो, उसको तोड़ने पर कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। हालांकि बार बार केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगातार इस बात की मांग करते रहे कि इस तरह से जो है पूरे देश में रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कानूनों, खास करके नगर निगम के कानून हो, चाहे विकास प्राधिकरण के कानून हो, उन नियमों के तहत जो है वो नोटिस देकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस तरीके से अगर पूरे देश में रोक लगा दी जाएगी तो ये सही नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में लगातार देख रहे हैं कि अगर कई कार्रवाइयां जो हैं वो गलत भी हुई हैं और ऐसे में एक भी गलत डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के संविधानों के जो है वो आदर्श के विपरीत है और ऐसे में हम इसको नहीं होने देंगे। हालांकि बार बार केंद्र सरकार के वकील की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि खास करके एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इससे पूरी तरह से अप्रभावित हैं, हम इसको कानूनी नजरिए से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मामले में कुछ भी गलत ना हो और हम इस मामले में फिलहाल यही फैसला ले रहे हैं कि हम इस मामले में एक आदेश पारित कर रहे हैं जो कि पूरे देश में लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई यानी कि 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसका असर ये होगा कि इस मामले में कहीं भी जिस तरह की शिकायतें आती थी, जहां पर अचानक से नोटिस देकर कई मामले में आरोपियों के घरों को गिरा दिया गया, उस मामले में अब इस तरह की कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार या किसी भी तरह का कोई स्थानीय प्रशासन नहीं कर सकेगा। हाँ। और उसको पूरी तरह से कानून सम्मत रहना होगा, क्योंकि इन सभी चीजों का निरीक्षण परीक्षण खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम या अलग अलग तरह के जो भी इस तरह के, नहीं तो गौरव, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि मतलब अगर कहीं पर नोटिस दिया गया है और कहीं पर कानून सम्मत कार्रवाई होती है या फिर नगर निगम अतिक्रमण, तो वहां पर चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कानून सम्मत कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को लेकर पहले से ही जो है वो आदेश है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण हो, चाहे वो सड़क हो, फुटपाथ हो, उसको रोकने के लिए कहीं पर भी किसी तरह की कोई रोक पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर उस मामले में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति हो। बाकी 1 अक्टूबर का इंतजार रहेगा। 1 अक्टूबर को फिर से गौरव के साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।